फाइनली वो दिन है जब हम इसके बट गार्ड पर करेंगे एक 1100 छोटा सा मॉडिफिकेशन। तो अभी आधा इस साइड से कट चुका है भाई, आधे ज्यादा कट चुका है भाई। सस्पेंशन कवर सुकरादी भाई कैमिलियन रैप, तो ये अलग अलग कनेक्शन करता है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सभी को राम राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार की ब्रोज। फाइनली वो दिन है जब हम इसके मड गार्ड पे करेंगे एक प्यारा सा छोटा सा मॉडिफिकेशन। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो अपने भाई के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई 2 मीटर को स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो। भाई हम चेक कर पा रहे हो मेरा भाई आ चुका है, चेक मारो भाई। तो बाकी अभी क्या करना है ना, सबसे पहले हमको करना है इसका सीट खोलना है, और उसके बाद दूसरा काम है भाई जो ये लाइट्स हैं भाई पुट के इनको निकालना है। पहले हम सोच रहे थे ना इसका मड गार्ड काट के अलग कर देते, लेकिन मेरे भाई ने आइडिया बताया कि इसको बनाएंगे स्लाइडिंग वाला। मतलब जो आजकल मॉडिफिकेशन चल रहा है उसमें क्या होता है ना कि जो अपना ये पीछे मटगार्ड है भाई इसको हम स्लाइडिंग वाला बना देते हैं। तो बाकी मुझे तो आता नहीं है, तुझे आता है? या ब्रो। तो बाकी मेरे भाई को आता कैसे करता है, तो बिना किसी तरीके अपने सीट वगैरह ओपन करते हैं, सबसे पहले जो पुटके इनको निकालते हैं बाहर। तो भाई 2 मिनट वेट करो, फटाफट खोलते हैं इसको। हाँ हाँ, तो बाकी ना यार बाइक स्पेंडर में ना एक चीज़ खोलने के लिए ना भाई सारी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं भाई। खाली एक वो लाइट निकालनी है तो उसके पहले फेंडर खोलना पड़ेगा, फेंडर के बाद दो नट खोल के सीट उतारनी पड़ेगी, उसके बाद जाके अपने तो अर्जम पर्दा में उसके अंदर से दिखेगा, उसके बाद जाके भाई तार वगैरह खुलेंगे, और उसके बाद जाके भाई ये चीज़ खुलेगी। तो पहले फटाफट से खोल लेते हैं और सीट वगैरह ओपन कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें सीधे मिलते हैं वहाँ पर को वायरिंग के टाइम पर। तो बाकी यार सीट वगैरह काम हो चुका है, अब सीट खोल लेते हैं, निकल गया। तो बाकी ना यार अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ चैनल पर, ताकि फटाफट से हमारी इनकम भी शुरू हो जाए, ताकि उसके बाद हम यार एक कैमरा वगैरह परचेस कर ले या फिर कोई आईफोन वगैरह परचेस कर ले। इस कैमरे से ना भाई काम नहीं चल पाता उतना, मतलब क्लैरिटी दे देता है लेकिन डिटेलिंग नहीं दे पाता, तुम भी देख पा रहे हो को। बाकी मैं एंड्रॉइड फ़ोन से बनाता हूँ वीडियोज़, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम पर आईफोन परचेस कर ले, लेकिन उसके लिए ना भाई तुम लोग का मुझे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको प्लीज़ यार बनाए रखो। और ना देखते हैं भाई अभी काम वाम करते हैं शुरू। बाकी ये देख रहे हो नई वायरिंग पड़वाई थी ये। तो बस यार अपने भाई की बातों का ध्यान देना और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना, ताकि हम ऐसे मॉडिफिकेशन करते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें भाई। तो अब क्या करना है ना भाई, वायरिंग अलग कर ली थी ना वायरिंग, तो वायरिंग में हमें जुगाड़ बैठाया था, ये देख रहे हो टुचके वाला, ये सबसे बेस्ट जुगाड़ है यार उसे, कपलर वाला ना, कपलर वाला सबसे बेस्ट है। ये अपने जो लाइट वगैरह भाई ये देख रहे हो पुटके ये खुल चुके हैं, फेयरिंग तो रियर फेयरिंग सोच रहे ऐसे भी कटाता ना, मेन बात होगी। देखो मैंने ट्राई करा आपको नीचे दिखाया, मैंने हल्का सा काटा, देख रहे हो ये फेयरिंग भी छिलती है उसके साथ धीरे धीरे, मतलब थोड़ा प्रिसीजन वाला काम है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा वरना ऊपर की फेयरिंग नहीं पड़ा रही, ये भी छिल जाएगी भी मतलब में। तो हम सोच रहे हैं कि जो अपनी वाली फेयरिंग है ना पीछे वाली, इसको हटा ही देते हैं तो मतलब उसके टूटने मतलब कटने फटने का तो चांसेस कम हो जाएंगी। तो बाकी भाई अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, कहाँ से बच गया? नहीं नहीं मैं सोचा कि राम से भाई टूट गया भाई, क्या चटर बटर होगा, तोड़ दिया इसने भयंकर, कह रहा हूँ आराम से कर करके नक्का टूट गया इसके अंदर का। रुक 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 गया। हाँ हाँ मैंने कहा स्प्लेंडर का प्लास्टिक है, हो गया हो स्प्लेंडर का प्लास्टिक है, मैंने पहले ही कहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते मिल जाते हैं इसके पार्ट्स, फिलहाल भी कुछ ऐसा खतरनाक नहीं टूटा है, चल जाएगा काम इससे अपना। तो बाकी भी सब कुछ खुल चुका है, फेयरिंग बचा रहे थे, फेयरिंग ही टूट गई और तोड़ने वाला ये। तो करना क्या है ना भाई, सबसे पहले इसमें करना है अपन को क्या भाई, क्या करना है अब काटना भाई, ये लड़की को बुलाना पड़ेगा यार, है ना, काटने में लड़की एक्सपर्ट होती है ना भाई, तू भी ऐसी काटेगी लड़की एक्सपर्ट होती है काटने में कोई भी चीज़ हो। तो बाकी अभी ना किसी तरीके अपन हम यार हम ना आज ही ब्लेड भी परचेस करके लाए। हट ऐसे नहीं, पी नाम वाले जान सकते हैं, पी नाम वाले जान सकते हैं, मन्ने तन्ने दिल दिया था। तो बाकी अभी इसको यार काटते हैं यहाँ पर से, चलो हाँ काट दे शुरू कर दे, एक काम नंबर प्लेट निकालता है क्या इसकी, क्यों काट लेगा सही जा रहा था बेटे, अभी भाई फोन गिर गया था हाथ से भाई, बच गया, नया फोन को पता लग गया, नया टेम्पर लग गया, बल फोन करा नया टेम्पर लगा लिया भाई, एक बार गिरा के तो देख ले। और आ चुके हैं हमारे यहाँ पर को गांव की प्रधान, प्रधान जी का हमारा कमरा बल्ब बंद कर रहे, बाहर बल्ब जाको, क्या कह रहे हो, वो हमारे अंदर से वोट दे दूं, अरे यार बल्ब जल गया, कर बंद कर दिया, इसका बल्ब जल गया, अम्मा सोई हुई ना, अम्मा का बल्ब जल गया, क्या बोलते तुम, क्या बोलते तुम ऐसा, बंद कर तो अभी आधा इस साइड से कट चुका है भाई, आधे ज़्यादा कट चुका है। अभी यार कटने में दिक्कत हो रही थी ना, पहले भी कह रहा था कि नंबर प्लेट दिक्कत करेगी, तो अब क्या करें, नंबर प्लेट खोल लें, अब एक बार नंबर प्लेट खुल जाएगी, उसके बाद भाई
काटेंगे बढ़िया करके। तो बस भाई तुम्हारे भाई के पास दिमाग को देना है ना भाई कसम, बहुत ही दिमाग है मेरे पास यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब अथा दिमाग है मेरे पास। तो बाकी अभी थोड़ा सा रह गया कटने पिटने का, चल इतना ही रह गया बस इतना सा है। ओए कि भी कटवट सब पूरी गई है तो उसको निकाल देते भाई। तो वाकई चेक करो भाई पूरी कट के निकल गई है। अब क्या करना है ना भाई, थोड़ा सा सेट करना है, मेरे भाई कटर लेने गया है तो कटर से ना भाई सजा भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना भाई, इसमें सब निकालना पड़ेगा। ये देख रो टेढ़ा कट गया थोड़ा सा, दिख नहीं रहा हो। और उसके बाद ना भाई इसमें क्या जुगाड़ होगा तो मैं बताता हूँ। देखो इसमें होगा या तो इसमें होंगे दो होल, यहाँ पर होगा एक होल, यहाँ पर होगा एक होल, यहाँ पर होगा। उसमें कैसे कि भाई दो पत्तियाँ लंबी सी ऐसी करके, ठीक है, और वो पत्ती आगे को ऐसे निकलेंगी और वो घुसेगी भाई इसके अंदर। ये एक लोहे की पत्ती दिख रही है ये वाली, ये लोहे की पत्ती इसमें, ये लोहे की पत्ती अंदर घुसेगी वो पत्ती, तो वैसे स्लाइडिंग वाली बन जाएगी। तो भी बिना किसी तरीके कटर वटर लाते हैं और करते हैं अपना ज़्यादा मॉडिफिकेशन। ये भी ग्राइंडर मिल चुका है भाई फाइनली, तो अब हल्का हल्का घिस देते हैं इसका, जो प्लास्टिक एक्स्ट्रा बाहर निकला पड़ा है तो कुछ और मत काट दियो। ये चेक करो भाई प्लेन एकदम, अब कट जाएगा ऐसे मत कर। ये भी ग्राइंडर से ना भाई हमने क्या करना है, इसको जो साइड्स थे भाई जो साइड वगैरह थे सब प्लेन कर दिए हैं। ये चेक कर पा रहे हो यहाँ पर दिख रहा होगा, तो हल्का हल्का मार दिया यहाँ पर को, थोड़ा अच्छा से पड़ा नहीं तो थोड़ा ऐसा हो रहा है, लेकिन बाकी जो साइड साइड से थे भाई प्रॉपर कर दिए अर्जा पुर्जा। तो बाकी इसमें भी हल्का हल्का मारा ग्राइंडर, तो देखो भाई पूरा प्लेन प्लेन सा कर दिया है। अब क्या करना है ना भाई, इसमें मेन चीज़ करनी है भाई, यहाँ पर कोई होल करना है और वो करेगा अपने मुँह से ये। तो बाकी यहाँ पर एक होल करते हैं, उसके बाद नट वगैरह जुगाड़ देखते हैं। पहले ज़्यादा ऊपर हो जाएगा ना, इतना मारता हूँ तो बहुत मुलायम हो जाएगा आपको। पड़गो रे पड़गो, अबे ये क्या निकाल लिया भाई तन्ने इसको, तन्ने इसका। अब कौन है, लाल 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 अंदर डालना पूरा। ये भी पत्ती भी यार मिल गई थी अच्छी खासी, हॉरन की पत्ती है ये, बड़ी मुश्किल से मिली, एक हॉरन से निकाली। बाकी भी मेरा भाई इसको हल्का टेढ़ा कर रहा है, ज़्यादा मत कर टूट ना जाए भयंकर। बैठा ना उसको जरा, बस भाई ज़्यादा छोड़ मार के भी टूट जाएगी। तो बस ये पत्ती का जुगाड़ बन चुका है, अब इसमें हल्का सा कसते हैं नट ढूंढ के और सीधे फिटिंग करने पे मिलते हैं आपसे। अपना जो मड़गाड़ का जुगाड़ था भाई फाइनली बन चुका है, चेक कर पा रहे होगे भाई, हमने एक होल करा यहाँ पर को और उसमें हल्का सा बेंड करके पत्ती यहाँ पर को लगा दी है। तो बाकी यार अब तुम्हें चेक करा था उसको फिटिंग कैसे करना है। फिटिंग करने के लिए ना भाई बहुत सिंपल सा है भाई, तुम यहाँ पर पत्ती देख रहे होगे भाई, और ये ऑरेंज कलर की कह रहा हूँ भाई, यहाँ लोगे पत्ती देख रहे हो, इस पत्ती के बीच में घुसाना है तुम्हें बस आराम से। तो तुम्हें चेक कराते भाई, ले लगा भाई, थोड़ा देख के लगाना बस, चेक करो भाई लग गई वापस से अपनी ये टेल। भाई सब लाए कह रहा हूँ तुम इसको कितने बड़े गड्ढे में डाल दो ना, ये गिर गई तो नाम बदल देना। हाँ भाई ये गिरेगी भी नहीं, देख रहो भाई हिलेगी लेकिन गिरेगी नहीं भाई, कहीं नहीं गिरेगी। बाकी ये देखो ये एक हाथ से निकलेगी भी नहीं, तो दो हाथ से भी ना निकल ली, निकाल दो भाई ज़रा, बहुत मजबूत जुगाड़ हो रहा है इसमें। मैं उसको तब निकालूंगा ना, गाड़ी पीछे आएगी उसमें, ये गाड़ी देखो पीछे आगे वापस जा रही है। तो बाकी हो गया टेल लाइट है भाई, इसके ना पार्ट बहुत सस्ते मिल जाते हैं कसम से यार, कुछ भी कहो बेस्ट है स्प्लेंडर। बाकी तुम सोचो कितने का पड़ा होगा मुझको, ये कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना भाई, कि अगर इसके प्राइसिंग वगैरह जाननी होगी भाई क्या चीज़ कितने की पड़ी तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर तुम खुद गैस करना, मैं तुम्हें सही प्राइस बता दूंगा कमेंट बॉक्स में भाई। बाकी ये भाई इसकी पुरानी वाली बैक लाइट देख रहे हो कैसी रात हो गई है। तो बाकी हम सोच रहे हैं इसका जो ग्लास है भाई, ये ग्लास ये वाला लगा देंगे उस वाले में, बिकॉज उन्होंने टैटू वैटू लगा हुआ है, मतलब एक ये बोर्ड सेवन लगी है तो अच्छा भी लगता है ब्लैक ब्लैक सा। बाकी एक बार इसको फिट करके देखते हैं, अगर ये अच्छे लगे तो ये लगा देंगे, वरना बाकी तो ये है ही हम पे। तो इसमें ना एक चीज़ है कि भाई इसका जो ये कवर है ना बाहर का ये रेड वाला, ये थोड़ा बड़ा सा है इसका, और इसका देखो परफेक्ट है बिल्कुल एकदम बॉडी से लगता हुआ है, तो क्या दिक्कत है ना ये फिट नहीं आ रहा है, तो हमको खोलना ही पड़ेगा भाई, बिना से खोले ना फिट भी नहीं होगी। बाकी अभी यार हमारे पिताश्री ने आके अपनी ताकत दिखाई बाहुबली वाली और इसको फिट कर दिया है वहाँ पर को, इसको तो आता ही नहीं है, खाली बोला था फिट नहीं होता, फिट नहीं होता। थोड़ा लंबा तो घुमा लो, कर लो ना, अरे हो गया लंबा ले लो ना थोड़ा सा। हाँ तो फाइनली जो हमारा काम था भाई टेल वाला वो हो गया डन भाई। बाकी अभी जो अपनी भी ये जितनी फिटिंग विटिंग है उसके साइड फेंडर सीट वगैरह सब कुछ करता है इंस्टॉल, उसके बाद तुम्हें दिखाते भाई एक जादू, और वो जादू करा अपने अपने एग्जॉस्ट पर, तो दो मीटर को सब दिखाते हैं भाई।
कि अपनी बाइक भाई पूरी रेडी हो चुकी है, चेक कर पा रहे हो भाई, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं भाई कोरपुर अपने विक्की भाई के शॉप पे। बाकी जो टेल लाइट हमने रेड कर दिया, इसको हम सोच रहे करवा लेते हैं स्मोक ये टेल लाइट को, और सेकंड थिंग भाई जो अपनी हेडलाइट है ना भाई, इसको भी हम स्मोक करने के लिए जा रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं, आपसे मिलते हैं भाई विक्की भाई के शॉप पे, बस 2 मीटर को। बाकी कोरपुर गए थे तो वहाँ पता लगा भाई जो स्मोक खत्म हो गई है। तो बाकी अभी आ चुके भाई दाल लेक सिटी कसम हल्द्वानी पे, तो बाकी तो मैं चेक कराते हैं अपनी लाडो भाई कर दिया अभी लाडो, कमेंट करके बताओ कैसे लग रही है बिना टेल के भाई। टेलर हटा दिए इसकी अभी फिलहाल, और तो अलग सीधी कंसर्न यहाँ पर, तो बिना किसी देरी के भी थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पर बाइकों का। तो उसके बाद अपने काम शुरू करवाते हैं भाई, स्मोक करवाते हैं इसकी टेल और आगे का वो हेड। ये भी अपने टेल लाइट है भाई, वो की स्मोक चेक कर पा रहे हो ये देखो भाई। तो उसमें ना अभी एक स्टिकर छपवा रहे हैं यहाँ पर, को स्टिकर लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर लगेगा स्टिकर एक। तो स्टिकर दिखाते हैं कौन सा लगवा रहे हैं, बस 2 मिनट वेट करो भाई। पहुंच चुके घर भाई, तुम्हें चेक कराते हैं अपनी लाडो। तो बाकी जो टेल का काम था वो पूरा डन हो चुका है, चेक कर पा रहे हो ये खड़ी अपनी लाडो, और इसमें हमने करवा दिया भाई स्क्रीन थी उसकी स्मोक करवा दी है, चेक कर पा रहे होगे ये स्मोक हमने करा दिया भाई। इसमें जो ये सॉकर ये ऊपर कवर था भाई, सस्पेंशन कवर, इसको करा दिया भाई कैमेलियन रैप। तो भाई अलग अलग कलर चेंज करता है ये देख रहे हो, और ब्लू पर्पल सा मतलब कुछ ऐसा लगता है, कैमेलियन रैप कहते हैं। और बाकी उस साइड भी सेम चीज़ करवाई है, ऑफ करवा दी भाई टेल लाइट अपने स्मोक। बाकी एक वार्निंग का निशान लगा दिया, थोड़ा ना अटपटा सा लग रहा है यार, इसको निकाल देंगे या फिर कुछ और लगाएंगे इसकी जगह। बाकी ये सब करवा दिया है, तो अभी फिलहाल तुम्हें देते हैं भाई प्यारे प्यारे सिनेमेटिक्स। कमेंट करके बताना अपनी गाड़ी कैसी लग रही है, बस 2 मिनट को। इसके भाई प्यारे प्यारे सिनेमैटिक्स, कमेंट करके बताने कि अपनी लाडो कैसी लग रही है। तो अभी देखते हैं भाई अगला मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, बाकी तो मुझे कमेंट करके बताना कि अगला मॉडिफिकेशन क्या करें। तो अपने व्लॉग को इधर एंड करते हैं, आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया। तो ऐसे हंसते रहो, खेलते रहो, मेरे व्लॉग्स देखते रहो। आपसे मिलते हैं अगले वाले व्लॉग पर, तब तक स्टूडियो में जय श्री राम भाई।